मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले माघ मेले क्षेत्र के कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण तथा प्रयागराज में फूलपुर विधानसभा के चौमुखी विकास हेतु कुल 44 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास के बाद लोगों को किया संबोधित। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने संगम नगरी प्रयागराज माघ मेले की तैयारियों का भ्रमण कर लिया जायजा। श्री मौर्य ने माघ मेला क्षेत्र के पातून पुलों के निर्माण कार्य, विद्युत पानी सड़कों पर चकट प्लेटे बिछाने सहित अन्य कार्यों को समय से पूरा करने के लिए कहा। निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री जी ने अक्षयवट एवं बड़े हनुमान जी के दर्शन भी किए। इसके उपरांत फूलपुर विधानसभा की कुल 44 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर फूलपुर सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल, विधायक फूलपुर प्रवीण पटेल, गंगापार के भाजपा जिला अध्यक्ष अश्वनी द्विवेदी एवं जनप्रतिनिधि गणों के अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों सहित तमाम अन्य लोग मौजूद रहे। बड़े लंबे अंतराल के बाद आज भगवान दुर्वासा जी का दर्शन भी मिला और आज जयंती का पावन पर्व है। मैं सोच रहा था कि 29 दिसंबर को कैसे पहुंचा जाए। कई बार कार्यक्रम होता है, जैसे अभी अश्विनी जी ने बताया, दो बार कार्यक्रम बना, लेकिन मैं मानता हूं कि भगवान दुर्वासा जी जयंती के अवसर पर मुझे बुलाना चाहते थे।